तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना, ओ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। तो फिलहाल अभी जो है आज है वन मेला जो भोपाल में आया जिसे उसका लास्ट दिन है, तो वहाँ जाने वाले, लेकिन उससे पहले चंदू स्वीट से कहूँ, चंदा स्वीट मुझे तो चंदू स्वीट अच्छा लगा इसका नाम से, मैं चंदू स्वीट ही बोल रहा हूँ, चंदू स्वीट जाने वाले भाई दोनों हाथ छोड़ के, तो चंदू स्वीट जाने वाले भाई साहब, एंड वहाँ पे ये लोग खिलाने वाले पार्टी मुझको देने वाले मेरी ये पार्टी। लेकिन वहाँ पे जाके जो भी खाएंगे पिएंगे वो सब दिखाते हैं चल के, उसके बाद जाएंगे वन मेला जो कि है लास्ट दिन आज वन मेले का। कैसे ऑर्डर कर रहा है, कैसे नहीं क्या ऑर्डर कर रहा है, कैसे क्या ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर क्या कर रहा है, मेरा मत बोलना भाई। ओके जी भाई का ये रिएक्शन था बहुत अच्छा रिएक्शन, पहले दो दम बिरयानी उसके बाद सूट करना चाहिए था ना, नहीं रिएक्शन अच्छा था इनका, काफ़ी अच्छा रिएक्शन था इनका। बाकी वरुण भाई, वरुण भाई हमारे पहली बार आए हैं, पहले काम करो जो दम बिरयानी ले जा उसके बाद बताऊंगा। वैसे कॉपी अच्छा कर लेते तुम तीनों एक दूसरे की, देखो ऐसा है कि पहले दो बेल दम बिरयानी देन उसके बाद, ये रियल एटीट्यूड था दैट वन वेरी नाइस। हमारा नकली, हम तो नकली, अब तो कॉपी कॉपी। बाय द वे पहली बार आए हैं हम यहां चंद्र स्वीट्स, बोलो क्या बोलना है, इसको देख करके फीलिंग बहुत ही गुड आ रही है, भूख मेरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, देखना तेरी न्यूट्रिशन सारे न्यूट्रिशन सारे हैं, जिम वाले वो सारे के सारे जिम वाले लड़के ये सब चीजें खा रहे हैं। बहुत बढ़िया थी यार, मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगी, बाकी दो मिनट के अंदर खत्म की है, सही होता है ना, दो मिनट के अंदर लोग खा रहे हैं और इसने तो 30 सेकंड में खत्म कर दी, ये देखो कितनी जल्दी खा लिया, और ये देखो ये जो कैमरा है आहा, कोने में खाली थी पूरी, पेट भर आ गया, मज़ा आ रहा है, इतना प्यारा टेस्ट। कैमरा चालू है, जब मैं कैमरा चालू होना चाहिए, कैमरा चालू हो तो बहुत अच्छी थी। सो मैं फ्रॉड हो चुका है भाई, अभी फिलहाल तो सबका पेट मतलब लगभग भरा तो नहीं है, हेडफोन लगाऊं समझ में बोलो। वो मन से कर रहा है, वो मन से कर रहा है, इसको कैमरे में आने का शौक ज़्यादा है इसलिए मन से ऐसा कर रहा है, वो पीछे होकर बैठा हुआ है। स्वामी को खाई दम बिरयानी थी वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, मैंने आपको ऑर्डर किया जो अपने जो जो आप ऑर्डर किया वो बिल्कुल जी,
तो उसका स्वाद किसी देख के खाता है बराबर के आपको याद हो रहा है मुझे किसी ने बहुत मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा कैमरे में आने से पता चल भाई साहब मैं डी सी वाले का फैन मार्बल मैं मार्बल देखकर मिल गया डी सी मुझे आदमी नहीं छोड़े मुझसे मार गया डी सी अच्छा हाँ बहुत स्पॉइलर ये सब मार्बल बहुत डी सी ज़्यादा रियल बताऊँ मुझे मूवीज़ अच्छी लगती हैं वो कहीं की भी हो इसको एजिस्ट्रेशन उसकी कैमरे पे बिल्कुल नहीं आता भाई साहब स्मार्ट है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है सब ज़्यादा स्मार्ट है तो नहीं आता बट अब देखते हैं क्या आता है अंगारा में कि अंगारा चीज़ क्या है बनी रहता है नहीं दिखा रहे दे रहा है बोल रहा है बेड मैनर्स ऐसे करके रख देते हैं भाई बेड मैनर्स चलो पे करो ये है बिल पे कौन पे कर रहा है हुज़ द पे हुज़ द पे कौन पे कर रहा है बिल मैं कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ यार कितना कर सकता हूँ 10 रुपये तो मेरी खुद इच्छा है दोबारा आने की और ऐसा कंफर्म नहीं है क्योंकि अगर ये लोग लेकर आएंगे ये नहीं ये लेकर आएगा तो मैं दोबारा आ जाऊंगा बाकी सब पहुंच गए अभी इंटरनेशनल हर्बल फेयर यानी अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भोपाल में एंड यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा पब्लिक आ भी रही है जा भी रही है तो पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि लोग आते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है आज लास्ट दिन है दिखाते हैं दोनों कितनी भीड़ है अंदर आने जाने वालों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियाँ हैं वहाँ पे गाड़ियाँ हैं चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं हाँ इधर पार्किंग लगा यहाँ है यहाँ पे सो फाइनली यहाँ पर जो है गाड़ी पार्किंग कर दी है अंदर जाते हैं अंदर क्या है फाइनली हम पहुँचे हैं वन मेला अब यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं हम चारों भाई सही होता तो मेरा यहाँ पे अकेले आने का प्लान था इनका आने का प्लान भी नहीं था मैंने जबरन इनको लाया हूँ ना धक्का धक्का के मैं सोच रहा था कि घर पे आराम से जाऊँगा यार जबरदस्ती ले आया ना कोई दिक्कत नहीं बहुत अच्छी जगह है यार सरकार ने लगाया है मध्य प्रदेश सरकार ने तो ये दोनों आ रहे पहले वेट कर लेते वेट कर लेते चल मीनवाइल अब अंदर की तरफ जा रहे हैं हमारे भाई के पास मास्क नहीं था तो स्किन के लिए मास्क ले लें चले गए थे ये लाल परेड पे वन मेला और वैसे मैं फर्स्ट टाइम ऐसे किसी मेले में आया हूँ अच्छा मैं अभी तक ऐसे किसी मेले में आया नहीं हूँ तो आपको बैकग्राउंड से दिखाता हूँ बैकग्राउंड में कैसा लग रहा है ये है वन मेला अंतर्राष्ट्रीय वन मेला ड्रोन भी चल रहा है ड्रोन भी चल रहा है यहाँ पर फुल सेफ्टी के साथ हर जगह गार्ड्स खड़े हुए हैं पुलिस खड़ी हुई है ये पार्किंग एरिया है और उस तरफ भी पार्किंग एरिया है ये एंट्रेंस है यहाँ का यहाँ से हम अंदर जाएंगे यहाँ पर देखिए हर जगह पुलिस लगी हुई है हर जगह गार्ड्स खड़े हुए हैं पुलिस हर चीज़ को गार्ड कर रही है गाड़ियों को लोगों को
फुल सेफ्टी के साथ यहाँ पर काम हो रहा है, हर इंसान मास्क में मिलेगा आपको। हाँ कुछ कुछ नहीं लगाते हैं मास्क, वो बातें अलग है, बट सभी लोग यहाँ मास्क के साथ दिखेंगे। ये खड़े हुए हैं हमारे दोनों दोस्त, दोनों मित्र मंडल यहाँ पर खड़े हुए हैं। चलिए चले अंदर, यहाँ पर लाइन लगी हुई है, यहाँ पर अंदर जाने के लिए आई थिंक लाइन में लगना पड़ रहा है। ये लाइन लगी अंदर जाने की, पता नहीं, आई थिंक लाइन ही है। हाँ हमारे भाई देख कर आ रहा है, जब तक हम लगेंगे वो साथ में अपने, जब तक वो देख के आ रहा है तब तक हमें। पुलिस लगी हुई है हर जगह, सिक्योरिटी हर जगह, सिक्योरिटी ही हमारे भाई पहले ही आ गए। हमें पहले लगा कि वहाँ पर लाइन है, बट कोई लाइन नहीं थी, ऐसी कंपलसरी बस सभी लाइन में चलें तो अच्छा है। ये हमारे लोग क्या बोलते हैं, लोग नाच आगे भाई है। अंदर आने के बाद काफ़ी मुझे तो मतलब इतना अच्छा लगा, जैसे इतना अच्छा व्यवस्था होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अंदर आके। इतना अच्छा मतलब क्या लगता है यार, कहीं घूमने वूमने जाओ ऐसा लगे तो कितना अच्छा है। तो यहाँ दुकानें लगी हुई हैं अंदर खासकर खाने पाने की, तो देखते हैं अंदर खाने पाने की दुकानें। यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगी हुई है, प्रदर्शन क्षेत्र भी है जहाँ पे सामान के प्रदर्शन चल रहे, तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ राशि वाटिका, महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत जी। मेरी राशि है धनु, धनु धनु है मेरे भाई। जी हाँ मेरी राशि है पीपल, धनु धनु मींस पीपल, पौधे का नाम पीपल, पीपल का है मेरी राशि है सिंह, लियो और पेड़ पित्त, पित्त मींस उपयोग में क्या लिखा है राशि में। महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत जी की राशि वाटिका है। यहाँ पर भाई की फोटो खींचते हैं। तो ये है ग्रीन इंडिया मिशन, जो बन है उनको पूरा बंजर से अच्छा बनाना है। आगे है मेरा फेवरेट वन विभाग, वन विभाग की मशीन लगी हुई है, आपको पीछे दिखाई दे रही हो तो वो लिखा हुआ व्यापार और विकास की चीज़ें बताई गई हैं। वहाँ पर चक्कियाँ लगाई गई कि घरों में लोग चक्कियाँ लगा करके और भी घरेलू काम करके अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, ताकि वो स्वयं रक्षित बने।
साची आइए साची के दर्शन करा आपको क्या होगी आइसक्रीम आइसक्रीम हाँ डब्बी चलेगी मेरे लिए ये आप ले लो नहीं खुलेगी चाहिए मिल्क लेंगे मिल्क चलेगा ना मिल्क सांची का फ्लेवर लेके काफ़ी मज़ा आया किस्मत ही खराब है किस्मत खराब भाई कि दो बार एक बार घर से खाना खा के आ गया और अभी जो फ्लेवर लिया वो भी पसंद नहीं आया उसको किसी को ही नहीं आया हाँ वो फ्लेवर काफ़ी बेकार लग रहा था मुझे भी सो भाई साहब जो भी घूमना था पूरा वन मेला घूम चुके हैं काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे तो मिल गई मेरे काम की जो थी एंड बस अभी ब्लॉग ख़त्म होने का टाइम आ गया है बाकी मुझे काफ़ी मज़ा आया वन मेले के अंदर सो तुम लोग भी आना चाहते होगे तो अब सॉरी अब नहीं तो नहीं आ पाओगे अब तो ख़त्म आज सो तुमने बहुत अच्छा चांस मिस कर दिया सो यार बस आज की वीडियो में इतना ही एंड ब्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना तो हम घूम चुके हैं पूरा वन मेला और अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं आप देख रहे हैं पूरे अब आप नहीं आ सकते क्योंकि ये ख़त्म आज लास्ट था आज मेरी कॉपी ये देखो ये बोल रहा है मेरी कॉपी कर रहा है कैसा है भाई अच्छा हमारे काम की चीज कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए लोग बंद करो भाई हमें हमारे काम की चीज़ मिल गई वो जो हाथ में बुक्स रखी हुई है वो ऐसी नॉलेजेबल बुक्स हैं कुछ और ये मुझसे लड़ रहे हैं पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं इनका माइंड में चल रहा है बट बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पर घूम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आपने हमारा इतना सपोर्ट किया और सपोर्ट तुम लोग वीडियो पे क्लिक तो करो कम से कम हाँ वीडियो तो देखो एक बार कंटेंट अच्छा ना हो वीडियो पे क्लिक करने के लिए अगर ये वीडियो देख रहे हो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी तुम्हारे लिए ये वीडियो एंड पवन भाई के चैनल पर नहीं आएगी नहीं मेरे चैनल पर रहेगी थैंक यू वेरी मच थक गया अभी अभी बाय बाय एक हमारा उदास भाई वो रहा बाय और हमारे सुजीत भाई को ना बहुत ज़्यादा चिढ़ है ये सुजीत से चिढ़े किस चीज़ से चिढ़े किस से कोई या तो कोई टिकटॉक की वीडियो चलाता है इंस्टाग्राम की रील्स चलाता है या फिर ऐसे शूट करता है ना तो हाँ इनका दिमाग एक्चुअली क्या ये बचपन में गिर गए थे मोबाइल के ऊपर ही गिर गए थे तो इनको मोबाइल से चिड़ी हो गई है ये कोई वीडियो बनाता है ना उसको देख के गुस्सा आ जाती है मोबाइल भाई का है भाई और ये निपट लेंगे आपस में अपन तो खाते रहेंगे अपन खा के बिल्कुल चल देंगे कोई दिक्कत नहीं है तुम हो रहा है शूट मैं सुन रहा हूँ नहीं आता हूँ मेरी वीडियो में कहाँ जाता हूँ खाना खाने ये लोग लाया मुझे आज ये सब ये और ये हम तो पहली बार ही आए हैं